भिवानी में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भिवानी के महम गेट का है, जहां पर मशहूर निजी मेडिकल स्टोर पर दो बाइक सवार नकाबपोश में एक व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली मारने का टारगेट प्रवीण खारोलिया था, लेकिन गोली गलती से वहां दवाई ले रहे युवक को लग गई। फिलहाल युवक राहुल की हालत गंभीर है, उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा मैंने संज्ञान में आया है, पता चला कि एक दो दिन पहले इनको कोई थ्रेट मिली थी, इन्होंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इसको अंजाम देते हुए दो युवक आए यहाँ से मोटरसाइकिल पे और भीड़ लगी हुई थी, सीधा हिट कर दिया, जिसमें कोई राहुल बच्चा है जो कोई उम्रवास गाँव का बता रहे हैं, वो कोर्ट रोड पर रहता है। शाम को 8:55 पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था, 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। तो उसके आवाज में मैं कल 5 तारीख को सुबह सिटी थाना गया था, वहाँ रिपोर्ट लिखवा के आया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उन्होंने वहाँ कार्रवाई शुरू की होगी, उसके बाद FIR दर्ज करवा के शाम को मेरे को CI स्टाफ में बुलाया, तो वहाँ उन्होंने मेरे को कई आवाज़ सुनाई, पर उनमें नहीं, उन्होंने कहा भाई थोड़ा अपना ध्यान रखना।